वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं गुरिंदरपाल सिंह गोरा मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी समुची नानक नाम लेवा संगत नूं धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ते जगत माता सुलखणी दे 536वें विआह पुरब गुरपुरब जोड़ मेले की लख लख वधाई देना और बटाले की धरती से अलौकिक दृश्य जिहड़े पिछले दिनों तो वेख रहे सां जिहड़े जोड़ मेले की आरंभता हो चुकी सी। अज धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी के अखंड पाठ साहब आरंभ करवा के गुरद्वारा कंध साहब च इस कार्य की गुरु कोलों अरदास बेनती करके आरंभता की आग्ञा ली है और मैं समझना आने वाले दिनों जिथे अज अखंड पाठ साहब आरंभ होए ने गुरद्वारा कंध साहब गुरद्वारा डेरा साहब गुरद्वारा डेरा साहब जिथे थड़ा साहब इन्हां थावां ते उत्थे गुरद्वारा सत करतारिया साहब सारे गुरद्वारा साहबान च अखंड पाठ साहब आरंभ हो चुके ने जिन्हां दे निरंतर भोग 22 तरीक नूं सवेरे लड़ीवार पैणगे। और मैं इत्थे बेनती करनी चाहुंना अज गुरद्वारा बेर साहब नूं गुरद्वारा सत करतारिया तो हर साल की तरह संगत जाएगी उत्थे भाई मरदाना जी हाल जिहड़ा दीवान हाल बणिया उहदे रात दे दीवान साहिब ने उत्थे शमूलीयत करेगी। कल सवेरे गुरद्वारा बेर साहब सुल्तानपुर लोधी की धरती तो उत्थों दे प्रबंधक जन साडे मैंबर साहबान और उत्थों दे मैनेजर साहबान जिहड़ा उन्होंने प्रबंध किया एक महान नगर कीर्तन 6 बजे सवेरे आरंभ होना है जिहदी अगवाई 5 प्यारे साहबान करनगे और छतर छाया धन गुरु ग्रंथ साहब जी की होएगी। वो कल शाम का साडा टीचा इत्थे उहदी समाप्ति होएगी पर जो मालक का हुक्म संगतां दे अगे कोई किसे दा जोर नहीं वस नहीं संगतां दा बहुत वड्डा प्यार सत्कार धन गुरु ग्रंथ साहब नूं अपना सीस झुकाउण लई है। तो 22 तरीक नूं एक महान फिर कार्ज बटाले की धरती से 5 प्यारियां की अगवाई धन गुरु ग्रंथ साहब की छतर छाया गुरद्वारा डेरा साहब जो माता सुलखणी का पेका घर है उस थान पर अज गुरद्वारा डेरा साहब धन गुरु ग्रंथ साहब सुशोभित ने उतों भी एक महान नगर कीर्तन 22 तरीक न सवेरे 8 बजे आरंभ होएगा जिहदी अगवाई 5 प्यारे साहबान धन गुरु ग्रंथ साहब की छतर छाया हेठ तो संगतं मगर कीर्तन कर दियाँ शहबर कीर्तन की लाउंदियाँ इस नगर कीर्तन शामिल होणगियां। बाबा मास्टर जोगिंदर सिंह अचली गेट बाबा ए कायनात जगत गुरु साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के अवतार विआह पुरब ते जो तुसीं सारे अहीं देख रहे हैं कि संगतां विच बहुत ही उत्साह है श्रद्धा है ठाठा मारदा जिहड़ा संगतां दा समुंदर है कई दिनों तो चल रहा है और कल ते परसों ऐसा अलौकिक नज़ारा होना है जिहड़ा वेखदिआं ही बनना है वो अखरां नाल बयान नहीं किया जा सकता वो सिर्फ तो सिर्फ अनुभव किया जा सकता। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला मैं धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जगत माता माता सुलखणी जी उन्होंने 536वें विआह पुरब दियां सारी संगत नूं लख लख वधाइयां दिंदा। सो ये जिहड़े लंगर की तुसीं गल की है मैं धन्नवादी हाँ तुसीं इहदी कवरेज इस बार करन वास्ते आए हो। ये पिछले कई सालों तो जिहड़ा जलेबियां का लंगर है संत बाबा संपूर्ण सिंह जी कोटला गुजरां सोसाइटी उन्होंने सारे ही सेवादार जिहड़े ने वह रल मिल के संगत जिहड़ी है अपनी दसवंध रूपी माया जिहड़ी है वो भेट करती है। दसवंध रूपी माया दे नाल इह जलेबियां का लंगर लगातार 5-5, 6-6 दिन बिल्कुल निर्विघन दिन रात हलवाई लगे रहिंदे है कोई थकावट नहीं। संगत दे विच चा ही इन्ना हुंदा है कि उन्हां घरां दे विच विआहां दा चा नहीं हुंदा जिवें गुरु नानक साहब दे विआह पुरब दा संगतां नूं चा हुंदा। सो ये मिठे पदार्थां दे जिहड़े लंगर है जलेबियां दे ये 5-5, 6-6 दिन चलते रहिंदे है जी। ये बिल्कुल हर साल लगते हैं जी हर साल ही कई सालों तो ये 4-5 दिन का जिहड़ा लंगर है जलेबियां दा चलता। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जगजीत सिंह जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये धन धन साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी का जो विआह पुरब है कंध साहब विखे जो जलेबियां का लंगर लाया जाता है धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह की अपार कृपा सदका संत बाबा संपूर्ण सिंह जी दे जो सारे सच्चे पातशाह की कृपा के नाल सोसायटी के मैंबर हैं हर साल की तरह इतने 3-4 दिन लंगर जलेबियां का लाया जाता है बड़े प्यार ते श्रद्धा दे नाल संगतां नूं छका के मन नूं खुशी मिलती है। बड़े दूरों दरेड़ियों संगतां चल के आउंदियां हन जो बड़े प्यार ते श्रद्धा दे नाल नतमत हो के मत्था टेक के मन दी खुशी प्राप्त करदियां हन। इत्थे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी की बड़ी महिमा है बहुत वड्याईयां हन सतगुर सच्चे पातशाह दियां मिलदियां हन जो कि सच्चे पातशाह की सेवा करके माण प्राप्त मिलता है। होर भी कई जगह पर बहुत भारी लंगर लगते हैं
जो कि जेड़ा भी कोई चीज़ मन चाहे कि मैं अज आ छकना है वह गुरु नानक पातशाह के विआह अगले पासे मिल जाता है। कोई ऐसी वस्तु नहीं कि जिहड़ी नहीं मिलती। मन दे विच चाह होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए है कि धन गुरु नानक पातशाह जी का विआह वेखण वास्ते आए हैं, दर्शन करने वास्ते आए हैं। तो जे विआह दे विच कोई चीज़ ना खाधी तो वह की नहीं मिलती, हर चीज़ मिलती है। जो वस्तु कितों नहीं मिलती वह इत्थों मिलती है। धन गुरु नानक पातशाह की कृपा हो रही है तो महाराज इस तरह कृपा कर रहे, हर साल की तरह कृपा होती है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।